लद्दाख को लेकर भारत से चीन का तनाव जारी है। चीन भारत पर चढ़ाई करना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। जो भी भारत से छेड़छाड़ करेगा उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत अपने इस रुख पर कायम है। साथ ही अदावत चीन के साथ भले कितनी लंबी क्यों न चले, भारत ने दोहराया है कि वो दुनिया से परमाणु हथियारों के पूरी तरह से खात्मे के समर्थन में है। यूएनजीए के सत्र में भी भारत ने अपनी इसी बात पर जोर दिया था। मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन पड़ोसियों पर कहा है कि वो परमाणु हथियारों से लैस देशों के खिलाफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम है और गैर परमाणु शक्ति संपन्न देशों के खिलाफ वो कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। अपने इस वचन पर कायम है तब तक जब तक कि परिस्थितियां मजबूर नहीं कर देती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अगस्त महीने में ही कहा था, आज तक हमारी परमाणु नीति प्रथम उपयोग की नहीं रही है, भविष्य में क्या होता है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रक्षा मंत्री के इस बयान की विदेश में काफी चर्चा हुई थी। चीन से विवाद को एक अलग परिस्थिति मानकर विदेशी मीडिया का एक ग्रुप संकेत दे रहा था कि संभव है कि अब भारत अपनी परमाणु नीति में बदलाव करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस को बढ़ावा देने के लिए हुई बैठक में शामिल विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के बयान से साफ हो गया है कि भारत ने अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। श्रृंगला के मुताबिक भारत अपनी नीति पहले भी सबके सामने रख चुका है। साल 2006 में यूएनजीए की पहली कमेटी को सौंपे वर्किंग पेपर में और फिर साल 2007 में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इसे लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया था। श्रृंगला ने भारत का पक्ष रखते हुए साफ किया कि हमारा मानना है कि परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को चरणबद्ध प्रक्रिया के जरिए हासिल किया जा सकता है। इसके लिए वैश्विक संकल्प और बहुपक्षीय ढांचे की जरूरत है। भारत परमाणु हथियारों से लैस सभी देशों के बीच बातचीत जरूरी समझता है ताकि विश्वास पैदा किया जा सके। दावा किया गया है कि भारत ने साल 1998 के बाद से यूएनजीए में हर साल परमाणु खतरे को कम करने से जुड़े प्रस्ताव को सबके सामने रखा है, जिसमें परमाणु हथियारों की दुर्घटना और अनचाहे इस्तेमाल के खतरों को कम करने पर जोर दिया गया है। हर्ष श्रृंगला ने ये बातें हर साल 2 अक्टूबर को बुलाए जाने वाले सत्र में कही, जिसे यूएन परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए बुलाता है। साथ ही महात्मा गांधी के सम्मान में उनकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। श्रृंगला ने भारत की तरफ से दुनिया को संदेश दिया, कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो भी करेंगे वो महत्वहीन होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसे करें। इसी भावना के साथ भारत परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, भारत तो नो फर्स्ट यूज का पालन करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर राजी नहीं है। पाकिस्तान तो न जाने कितनी बार भारत को उसके पास परमाणु बम होने की धमकी दे चुका है। कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। इमरान खान सरकार में मंत्री शेख रशीद ने तो भारत पर परमाणु हमले की धमकी भी दे डाली थी। हालांकि चीन भी परमाणु हथियार की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर काम करता है। साल 1964 में चीन ने ये नीति अपनाई थी और अब तक उस पर कायम है। यानी कि चीन और भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम है, तो मुश्किल है कि दोनों देशों के बीच के मौजूदा संबंध दुनिया को युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि चीन और भारत दोनों ही पहले अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करने के फेवर में हैं। अब पाकिस्तान में इसको लेकर क्या रणनीति है, इसके इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान के लोग कितने तैयार हैं, क्या सच में पाकिस्तान में भारत के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की हिम्मत है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास तो नहीं है, शायद आपके पास हो। अगर हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या चीन और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी देश भारत पर न्यूक्लियर अटैक जैसा बड़ा कदम उठा सकता है।